हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अगर आप लोग भी किसी को रात को 12 बजे बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर कोई सा भी किसी भी बंदे को मैसेज भेजना चाहते हैं एग्जैक्ट टाइम पर, तो फिर आप लोग इस मैसेज को कैसे सेंड करेंगे वो भी बिना किसी टेंशन के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर को खोलने का यहाँ पे आपको सर्च करना है स्किट। जैसे आप लोग स्किट सर्च करेंगे आपके सामने ये पहली वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, ये वाली। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने में आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने जैसे कि इंस्टॉल कर लिखा है तो फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फिर व्हाट्सएप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको फिर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट खुल जाएंगे और आपको जिसको भी मैसेज भेजना है उसको ऐसे कर लीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज पर कुछ भी टाइप कर लेना है। जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही टाइप करने के बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। आपको नीचे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको ये जो टाइम और डेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना टाइम और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आज 9 तारीख है, मैं आज ही मैसेज भेजूँगा। बट यहाँ पर अभी कितना टाइम हो रहा है देखिए आप, 10:30। तो यहाँ पे मैं 10:32 पर लगा देता हूँ। यहाँ से हमारा हो चुका है। फिर आपको यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पर आपका सब कुछ होने के बाद आपको ये टिक वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे नीचे यहाँ पर आना है। तो फिर यहाँ पर आपको पूछेगा ये तीन ऑप्शन, जैसे कि आप बोलो ये वाला और ये वाला। तो फिर आपको इसको ये सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे से आपके सामने पासवर्ड आपका मांगेगा। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड हटा देना है कुछ इस तरीके से। जैसे आप लोग अपना पासवर्ड हटाएंगे आपका मैसेज हो जाएगा और यहाँ पर आपका मैसेज जो है अपने आप ही चला जाएगा। आपको उसके बाद यहाँ पर अपनी स्क्रीन ऑफ करके रख देना है।